हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आज मूव करते हैं वीडियो नंबर 53 में और देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम से नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा डिस्कस करना है। तो बेसिकली यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है कि चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। आज हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली क्या है, चेन इफेक्ट है। चेन इफेक्ट क्या है कि चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, यानी शिफ्ट इन डिमांड का में जो चेन इफेक्ट होता है या फिर सप्लाई पे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली वो पॉइंट होता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स शुड बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। अगर ये हो जाता है तो हम मानते हैं कि हम बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम की पोजिशन पे हैं। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हाउ मार्केट एब्जॉर्ब द इंपैक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यानी बेसिकली हमारी जो मार्केट होती है वो कैसे शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई के इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ पे देखिए, शिफ्ट इन डिमांड हम अगर पढ़ रहे हैं तो आप याद करिए डिमांड के चैप्टर में हम पढ़ा करते थे कि शिफ्ट इन डिमांड का मतलब ये होता है कि डिमांड का इंक्रीज होना या डिमांड का डिक्रीज होना बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी दो टॉपिक हुआ करते थे, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट के केस में जो बेसिकली डिमांड पे इफेक्ट पड़ता था वो प्राइस की वजह से पड़ता था, और शिफ्ट में प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, और शिफ्ट इन डिमांड में भी हमको इंक्रीज इन डिमांड और जो डिस्कस करना है वो डिक्रीज इन डिमांड पे डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देखिए चेन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ। चेन इफेक्ट का बेसिकली यहाँ पे मतलब हुआ कि एक चेन सा क्रिएट होना इस टाइप से कुछ, या फिर ऐसे करके ऐसे टाइप से कुछ एक दूसरे को जो क्रॉस करके इंटरसेक्ट करे। और शिफ्ट इन डिमांड मैंने ऑलरेडी बताया कि डिमांड की वो सिचुएशन जिसमें बेसिकली आपकी डिमांड जो इफेक्ट होती है वो नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस होती है बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर होती है। अब यहां पे आ जाते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होना। अब देखिए ग्राफ एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है। ग्राफ बेसिकली हमको ये बता रहा है कि ई वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप ग्राफ को गौर से देखो या फिर आप उसको पॉज करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि डिमांड कर का D1 और सप्लाई का S जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। E प्राइस क्या है, OP1 क्वांटिटी क्या है, OQ1, ये सिचुएशन है। अब देखिए क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, जैसे लास्ट कर्व ग्राफ भी जो मैंने डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच गया है तो फिर ऊपर और नीचे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मार्केट रहती है वो कभी भी एक पॉइंट पे स्टिक नहीं रहती है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आता रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में अगर हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी डी इज इक्वल टू एस ढूंढ लिया है तो मार्केट वहीं पे स्टिक करती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट कंज्यूमर और सप्लायर के बिहेवियर की वजह से चलता है और उनका बिहेवियर फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इस वजह से इट इज नॉट पॉसिबल कि मार्केट हमारी एक ही जहां पे स्टिक कर जाए। अब यहां पे देखिए ई पॉइंट, हमने जैसे बताया कि हमने ई पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे हमारा सप्लाई और डिमांड कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1। अब देखिए यहां पे हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर डिमांड इंक्रीज करती है तो क्या होता है। तो देखिए लास्ट वीडियो को आप में से जितने लोगों ने नहीं देखा लास्ट वीडियो को देखिएगा, तो मैंने एक छोटा सा फंडा बताया था, यहां पे भी उस फंडा का रिवाइज करा दे रहा हूं कि प्राइस डिमांड और सप्लाई, यानी ये मार्केट इक्विलिब्रियम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आप याद रखिए इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्राइस पे कुछ इफेक्ट पड़ा तो उसका इफेक्ट डिमांड पे भी होगा सप्लाई पे भी होगा, डिमांड पे अगर कुछ इफेक्ट पड़ा तो उसका इफेक्ट सप्लाई पे भी होगा और प्राइस पे भी होगा, सप्लाई पे अगर कुछ इफेक्ट पड़ा है तो उसका इफेक्ट बिकॉज ऑफ प्राइस होगा एंड दैट टू हैव अ इफेक्ट ऑन द डिमांड। यानी इन तीनों चीजों का साइमल्टेनियस रिलेशनशिप होता है, यानी आपस में मिलता जुलता रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब देखिए इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पे अगर हम ग्राफ पे वापस डिस्कशन में जाएंगे तो हमने कहा कि इंक्रीज इन डिमांड। अब देखिए होता क्या है कि जब डिमांड इंक्रीज करने लगती है किसी भी चीज की, तो जब एक लेवल से ज्यादा डिमांड इंक्रीज करेगी तो उसका प्राइस इंक्रीज करेगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है हमारा सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। तो इस ग्राफ को अगर देखिए तो डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली D1 से किधर मूव कर रही है, D2 की तरफ मूव कर रही है। यहां देखिए D1 से D2 की तरफ मूव कर रही है। अब ये मूवमेंट जो हो रहा है इस मूवमेंट की वजह से मैंने क्या बताया क्या होगा कि प्राइस में इंक्रीज होगा, यानी प्राइस P1 से किधर चली जाएगी, P2 की तरफ चली जाएगी, और एट द सेम टाइम
सप्लाई भी इंक्रीज होगी। अब देखिए होता क्या है कि जब डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ी और प्राइस बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ गई, तो जब प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी तो ये आप ये समझ लीजिए कि प्राइस के बढ़ते ही सप्लाई तो बढ़ी लेकिन ऑटोमेटिकली प्राइस के बढ़ते ही डिमांड फॉल हो जाएगी। यानी यहां पे होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई इंक्रीज होगी, यानी सप्लाई अपवर्ड की तरफ जाना शुरू होगी। ठीक है, सप्लाई देखिए अपवर्ड की तरफ जाना शुरू होगी। एट द सेम टाइम प्राइस बढ़ी है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, सप्लायर ने सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड फिर फॉल होने लगेगी। यानी वो डिमांड जो कि ई से ई एफ की तरफ बढ़ी थी, अब फाइनली वो एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट की तलाश में पीछे को जाएगी। यानी एफ से ये किधर बढ़ेगा, के की तरफ बढ़ेगा। यानी हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ई था, अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा के हो जाएगा। यानी यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको यहां देखने को मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी सेम वही बात कि ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का गेम तब तक चलता रहेगा जब तक मार्केट अपने नए इक्विलिब्रियम की तलाश में रहेगी और फाइनली एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको मिल जाएगा जो कि पॉइंट के पे है। ठीक है, अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो यहां पे अगर आप देखिए तो हमारा ई जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ई जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है, ओके, ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है, अब ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, OP1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ1, ये है। अब देखिए यहां पे हुआ क्या है कि डिक्रीज इन डिमांड हुई है, यानी डिमांड हमारी लेफ्टवर्ड गई है D1 से D2 की तरफ, यानी डिक्रीज इन डिमांड है। अब देखिए डिमांड अगर डिक्रीज कर रही है तो डिमांड के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस नीचे आएगा, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा मार्केट में, एक रुपए की डिमांड नहीं है, तो हमारा सप्लायर मजबूर हो जाएगा, उसको प्राइस कम ही करना है, और जैसे ही वो प्राइस कम करेगा तो फिर क्या होगा, सप्लाई घटेगी, और प्राइस के कम होते ही हमारा डिमांड वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ई वॉज द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द प्राइस वॉज ओपी वन, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी वन थी और क्वांटिटी ओक्यू वन थी। जैसे ही हमारी प्राइस डिमांड कम हुई है, हमारा प्राइस फॉल कर गया, हमारा प्राइस P1 से कहां आ गया, P2 की तरफ आ गया। अब जैसे ही हमारा डिमांड फॉल हुआ, हमारा प्राइस जो था वो बेसिकली P1 से P2 की तरफ आ गया, तो हमारा सप्लाई कर नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इस बात को बताया है कि डिमांड जब डाउनवर्ड होती है तो वो इंक्रीज होती है, और सप्लाई जब अपवर्ड होती है तो वो इंक्रीज होती है। तो यहां पे सप्लाई जब डाउनवर्ड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो ये कर रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रहा है, हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई तो डिक्रीज हुआ लेकिन प्राइस के घटने से अब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो डिमांड जो कि ई से एफ की तरफ हो गई थी, अब वो किधर, वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तलाश में आगे को बढ़ेगी, और यहाँ पे प्राइस के फॉल होने की वजह से सप्लाई तो फॉल की लेकिन डिमांड आप वापस देखिए इंक्रीज करती जा रही है। यानी हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ई था, अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जब हमारी प्राइस OP2 है और क्वांटिटी OQ2 है। यानी ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट नई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाए जो कि के है। यानी चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में आपको यही बताना है कि बेसिकली हमारा डिमांड जब इंक्रीज होता है और डिक्रीज हो जाता है तो किस तरीके से फर्म जो मार्केट जो होती है वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को किस तरीके से पाती है। ओके, चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई को देखना है कि अब सप्लाई की चेन क्या इफेक्ट कैसे है, यानी शिफ्ट इन सप्लाई, यानी बेसिकली इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई पे क्या और किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम इंक्रीज इन सप्लाई देख रहे हैं, यानी इंक्रीज इन सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सप्लाई इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। ठीक है, अदर फैक्टर, अब यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होने का क्या मतलब है, सप्लाई का इंक्रीज होने का मतलब है कि हम सप्लाई को बेसिकली इस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो ये तो S1 हुआ,
सप्लाई अगर इंक्रीज कर रही है तो वो और आगे को भागेगी और आगे को भागेगी ऐसे, यानी एस टू एस थ्री इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर डिक्रीज इन सप्लाई, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ हो रहा है, तो क्या मतलब है कि सप्लाई ये है, ये लेफ्ट वर्ड को जाएगी इधर और लेफ्ट वर्ड को जाएगी इधर, यानी एस वन एस टू एस थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होंगी जिसको आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इंक्रीज इन सप्लाई बेसिकली देखना शुरू करते हैं। अब देखिए इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले ई हमारा वो पॉइंट था, यानी ई हमारा बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी डिमांड कर्व हमारा ये है, सप्लाई कर्व हमारा ये है, प्राइस हमारी ओपी वन है और ओक्यू वन हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब देखिए हो क्या रहा है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि सप्लाई एस वन से एस टू की तरफ मूव कर रही है, सप्लाई एस वन से एस टू की तरफ मूव कर रही है। अगेन सेम फंडा जो आपको याद रखना है, सप्लाई इंक्रीज की यानी एक कमोडिटी की मार्केट में ओवर सप्लाई कर दी गई है, मार्केट में वो सामान भर गया एकदम बिल्कुल पटा पड़ा हुआ है, हर तरफ वही दिखाई दे रहा है। तो जब ओवर सप्लाई हो जाएगी तो एक सिचुएशन आएगी कि उसकी प्राइस फॉल करेगी, और जैसे ही प्राइस फॉल करेगी उसकी डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए सप्लाई क्या है, एस वन से एस टू की तरफ मूव की, यानी सप्लाई में इंक्रीमेंट हुआ, सप्लाई में जैसे इंक्रीमेंट हुआ प्राइस क्या हो गई, ऑटोमेटिकली प्राइस फॉल कर गई। जब प्राइस फॉल की तो कम प्राइस पे हमारा कंज्यूमर ज्यादा सामान खरीदता है। अच्छा, लेकिन ये मैंने एरो क्यों लगाया, बेसिकली ये मैं समझाना चाहता हूँ कि सब इंक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट क्या पड़ता है। तीन इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस फॉल करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे हमारी सप्लाई जो होगी वो फॉल कर जाएगी। कैसे होगी जरा देखिए, ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, सप्लाई एस वन और डी डिमांड, डी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था ओपी वन पे ओक्यू वन। मैंने क्या कहा कि सप्लाई फॉल की, सप्लाई फॉल करने का मतलब ये है, सप्लाई इंक्रीज की, इंक्रीज करने का मतलब सप्लाई एस वन से एस टू की तरफ मूव की है। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज की उसका इंपैक्ट ये क्या हुआ कि प्राइस फॉल कर गया, जब प्राइस फॉल किया तो डिमांड इंक्रीज की। अब डिमांड कैसे इंक्रीज कर रही है, देखिए डिमांड कहाँ पे है, ई पे है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताया है कि डाउनवर्ड अगर डिमांड हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, तो वो क्या रिजेंबल करता है, वो ये बता रहा है कि डिमांड में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने क्या बोला कि प्राइस फॉल की, डिमांड इंक्रीज की, सप्लाई घटी, सप्लाई घटने का मतलब देखिए कि सप्लाई इधर की तरफ आ रही है, यानी सप्लाई एफ से इधर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे सप्लाई में फॉल आ रहा है, यानी ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मार्केट एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहुंच जाए, जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तलाश में बेसिकली मार्केट है, जो कि हमारा यहाँ पे के नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ई था। ई से कह के हम कैसे आए, हमने क्या कहा कि सप्लाई में इंक्रीमेंट हुआ, सप्लाई एस वन से एस टू की तरफ गई है, जैसे ही सप्लाई में इंक्रीमेंट हुआ प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल होते ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई घट जाएगी, डिमांड डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, ई से के की तरफ मूव की है और सप्लाई एफ से के की तरफ मूव की। यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का गेम तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक मार्केट फिर से अपने आप को क्लियर करके एक नई इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पे के है। अब आ जाते हैं नए डिस्कशन की तरफ, जो कि हमारा डिक्रीज इन सप्लाई है। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, लेफ्ट वर्ड की तरफ हम मूव करेंगे। अब देखिए ई हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे सप्लाई एस वन और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है प्राइस ओपी वन पे और क्वांटिटी ओक्यू वन पे। अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर डिक्रीज इन सप्लाई हो तो बेसिकली मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सप्लाई एस से एस वन की तरफ मूव कर रहा है, सप्लाई एस से बेसिकली एस वन से एस टू की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, यानी बैक की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए इसका क्या इंपैक्ट होगा, यानी मार्केट में सप्लाई अगर घट रही तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि सामान की बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ गई। तो सामान की जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ जाएगी तो पता ही चलेगा कि डिमांड करने वाले तो कुछ लोग हैं लेकिन सप्लाई है ही नहीं। तो जब डिमांड करने वाले लोग हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस जंप करना शुरू करेगी, प्राइस इंक्रीज की, डिमांड फॉल करेगी और यहाँ पे सप्लाई वापस फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी ई इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट प्राइस ओपी वन क्वांटिटी ओक्यू वन। अब सप्लाई क्या है, एस वन से एस टू यानी लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव कर रही है। तो जैसे ही सप्लाई फॉल की सबसे पहले आप यहां देखिए कि प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस जंप कर गई, ओपी टू आ गई। प्राइस के जंप करते ही डिमांड में गिरावट आ गई। कैसे डिमांड में गिरावट आई है, मैंने अभी आपको बताया कि डाउनवर्ड अगर है तो डिमांड इंक्रीज होगी,
यानी डिमांड अगर अपवर्ड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब डिमांड में क्या है, फॉल आ रहा है, यहाँ पे ये फॉल आ रहा है। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला, सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है, सप्लाई देखिए इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज कर रही है, यानी फाइनली जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का गेम है, ये गेम तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट अपने आप को एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा देगा जो कि यहाँ पे के है। यानी कहने का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई इंक्रीज हो, सप्लाई डिक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज हो, डिमांड डिक्रीज हो, उसका तीन इंपैक्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा जिसको आपको ढूंढना रहेगा। इस फंडे को याद रखिएगा, बहुत आराम से आप इस चैप्टर को कर ले जाओगे। इस चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, बस ग्राफ इतना ज्यादा ऐसे वैसे किया है कि आमतौर पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। तो यानी हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहते हैं और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्चुअली हमको नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहना है। यानी मार्केट हमेशा ये ट्राई करती है कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको मिला तो ऑब्वियसली कंज्यूमर और सप्लायर की बिहेवियर की वजह से फ्लक्चुएशन तो आता है, लेकिन उस फ्लक्चुएशन के बावजूद अगेन वी हैव टू फाइंड आउट अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये तो था चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हमने इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड का इंपैक्ट पड़ा और इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट पड़ा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द वीडियो नंबर 53। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से, फेसबुक पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और वहां पे अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप अपनी क्वेरी करिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल अस ऑन 8506-966-894। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।